बट हमारे कैब वाले ने हमें शायद गलत जगह उतार दिया है। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, मतलब इतना ख़तरनाक लेवल का जाम है ना, देखो अनकंट्रोलेबल है, कहाँ से क्या चीज़ जा रही है, कौन सी गाड़ी कैसे जा रही है। गुड मॉर्निंग, डे 8 इन जॉर्जिया, और आज हम हैं बातूमी में, और बातूमी में बढ़िया व्यू के साथ सुबह हुई। दिस इज़ द व्यू ऑफ ब्लैक सी एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ सिटी एंड माउंटेन्स, और आज हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने बातूमी शहर को। बातूमी को ब्लैक सी का लास वेगास भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैसिनोज हैं, बहुत सारे नाइट क्लब हैं, और भी बहुत सब चीज़ें हैं, हैपनिंग सी सिटी है। बट हमने कल रात ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं, हम पैदल पैदल थोड़ा बीच के किनारे 2-3 किलोमीटर तक गए और वापस आ गए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे और सो गए। आज सुबह से लेकर रात तक हम एक्सप्लोर करेंगे, रात को आपको यहाँ का नाइट लाइफ भी दिखाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बताते हैं। फ़िलहाल ये मैं आपको मेरा अपार्टमेंट बता देता हूँ, दिस इज़ ओरबी सिटी, ओरबी सिटी के नाम से है। इसमें हमने एक एयरबीएनबी लिया है, ठीक है, आप booking.com से भी बुक कर सकते हो। हमें जो पड़ा है वो लगभग 4,000 रुपये पर नाइट का पड़ा है, आप देख सकते हो यदि कोई डील हो और सस्ता भी पड़ जाए तो। एंड चलते हैं, करते हैं एक्सप्लोर बातूमी सिटी और यहाँ के आसपास की जगह सारी दिखाते हैं आज आपको। फ़िलहाल के लिए पहले मैं आपको ब्लैक सी की एक झलक दिखा देता हूँ क्लोथ से। सो दिस इज़ द बीच ऑफ ब्लैक सी एंड ये यहाँ की मेन रोड है एंड ये यहाँ के सिटी है। ये यार अपने आप में एक शहर है पूरा। इसमें हमने हिसाब लगाए थे कल कैलकुलेट करके, अराउंड 3500 फ्लैट है एक टावर में, और 3 टावर हैं तो 10,000 फ्लैट, तो समझ रहे हो आप पूरा शहर ही है ये जिसमें हमने अपार्टमेंट लिया। और ये लिफ्ट है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ की जो है वो लिफ्ट की है। हम 21st फ्लोर पे है, टोटल इसमें 53 फ्लोर है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो पड़ती है वो लिफ्ट की पड़ती है। तो चलते हैं, कैसा लग रहा है वंश भाई बातूमी शहर? बढ़िया। कितना बढ़िया? ऑन द स्केल ऑफ 1 or 10, 1 to 10, ठीक है, एवरेज। तो दिस इज़ द ओरबी सिटी, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है यार, एंड ये यहाँ का मेन एंट्रेंस है। तो काफ़ी सही एक्सपीरियंस है एक बहुत ही बड़े अपार्टमेंट के 21st फ्लोर पे रहने का। हालांकि यदि हमें टॉप फ्लोर मिलता, 50th 51 फ्लोर मिलता तो और ज़्यादा मज़ा आता, और ज़्यादा अच्छा व्यू भी मिलता, बट कोई बात नहीं। अभी हमने अपनी कैब बुक की है एंड कैब आ नहीं रही है, यहाँ पे आ गई। उसी बैठ गए कैब में एंड चल दिए हम फ्रॉम आवर होटल टू यूरोप स्क्वायर, हमारी आज की पहली लोकेशन। तो सुना यहाँ पे प्रॉपर यूरोपियन वाइब है, देखते हैं कैसा रहता है। बट पहले हमें अभी ATM से कैश विड्रॉ करना है, क्योंकि मैं और वंस हम दोनों ही कैशलेस हो गए हैं अभी। तो पहले कैश विड्रॉ करेंगे, थोड़ा बहुत कैश पड़ा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही कैशलेस है, 50 लारी कैश समथिंग हमारे पास है, बट कैश विड्रॉ करेंगे देन हम जाएंगे। अरे यहाँ तो मैकडी भी है, वेज बर्गर खा सकते हैं यहाँ पे। 24 आवर्स, सही है, आज शाम का डन सीन, मैकडी में खाएंगे बढ़िया सा वेज बर्गर, चिल करेंगे। सो जी पहुंच गए हम टाइम स्क्वायर बोल रहा हूँ यार, यूरोप स्क्वायर। काश टाइम स्क्वायर होता ये न्यूयॉर्क वाला, तो पता नहीं कब US वीज़ा लगेगा। तो जी पहुंच गए हम यूरोप स्क्वायर, और यहाँ का बहुत ही प्यारा एम्बियंस है यार, प्रॉपर यूरोपियन वाइब है यहाँ पे, ऐसे ही नाम नहीं है यूरोप स्क्वायर, हालाँकि यूरोप में है तो यूरोपियन वाइब भी मिलेगी, बट नाइस। स्पेशली वो बिल्डिंग बहुत प्यारी लग रही है। मैं आपको दिखाता हूँ यूरोप स्क्वायर अच्छे से सिनेमैटिक में। तो जी यूरोप स्क्वायर में हैं अभी हम, और काफ़ी सारे टूरिस्ट आ गए हैं, जब हम थे तब कम टूरिस्ट थे, अभी 15-20 मिनट में ही काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट बढ़ गए हैं।
काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप है यार, काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप है। तो जी पुलिस वालों से पूछा था, वो पीछे जा रहे हैं, ठीक है, उनसे पूछा ड्रोन कैमरा का, उन्होंने हाँ बोल दिया कि आप उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, फिर उड़ाते हैं ड्रोन कैमरा और दिखाते हैं आपको यहाँ का व्यू फ्रॉम माय DJI Mini 3 Pro। लेट्स सी। तो जी चलते चलते हम केबल कार स्टेशन के पास पहुंच तो गया, देखते हैं केबल कार से कहां जाते हैं। और ये पी रहा है, कौन सी बियर पी रहा है, ये कौन सी कंपनी है बियर की। दिस इज द केबल कार स्टेशन। अब यहां एंट्री देखते हैं कहां से है। तो जी केबल कार स्टेशन गए थे, यहां पे इन्होंने बोला कि 30 लारी की टिकट है, और फिर हमने फ़ोटोज़ वगैरह देखी तो देखा कि ये सनसेट के टाइम ज़्यादा अच्छा लगता है, अभी अच्छा नहीं लगता, तो डेट्स व्हाई हमने ये प्लान कैंसिल कर दिया। अभी होटल में वापस जा रहे हैं। यार बाकी सब तो ठीक है, बट यहाँ ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो एक यही रीज़न है कि हम अभी कहीं निकल नहीं पाएंगे, कहीं ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो वी आर रिटर्निंग बैक टू आवर होटल अपार्टमेंट में अपने वापस जा रहे हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे और 2 घंटे रेस्ट कर लेंगे। और प्लान बना तो वंस जाएगा बीच पे नहाने, है ना वंस। तो अभी चलते हैं, उसके बाद शाम को है यहाँ पे जो भी घूमने वाला है, तो शाम को अच्छा एक्सप्लोर करेंगे। तो जी रेस्ट वगैरह हो गया है और अब थोड़ी शाम हुई है, तो अब जा रहे हैं वापस से एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एंड मौसम ठीक है, धूप है, वैसे तो अपनी बोल्ट बुक की है फॉर नीनो एंड अली स्टैचू, जो यहाँ के फेमस स्टैचू है दो, वहाँ के लिए वहाँ चलते हैं। उसके बाद वहाँ से आगे का प्लान करेंगे, कहाँ चलना है क्या करना है। तो जी अपने अपार्टमेंट से निकल के आए तो हैं हम, बट हमारे कैब वाले ने हमें शायद गलत जगह उतार दिया है। यहाँ तो कहीं स्टैचू नहीं दिख रहे, यहाँ अल्फाबेट टावर है ये वाला, जो यहाँ का ये फेमस टावर है, एंड स्टैचूज का भी यही लोकेशन दिखा रहा है, ढूंढ रहे हैं। यहाँ कोई बातूमी फेस्टिवल लगा है, ये देखते हैं क्या चीज़ है। तो जी आगे हम अली नीनो स्टैचू के पास, अली नीनो स्टैचू, ये द ग्रेट व्हील है, देखते हैं इसके ऊपर जाएंगे क्या। टिकट पूछते कितने की है, कोई खास इंटरेस्ट तो नहीं है। यहाँ कुछ बोट टूर चल रहे हैं, ये देखते हैं इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बोट टूर मिल जाता है तो बोट टूर करेंगे, क्या बोलता है, कितने पहले है क्या और ऊपर चढ़ेंगे। तो जी बोट राइड फाइनल हुई है, इस वाली बोट में हम जा रहे हैं घूमने। तो जी हम आ गए बोट में, एंड ये यहाँ पे ये बोट वाले कह रहे हैं कि आधा पौने घंटे का टूर होगा, पूरा बातूमी शहर दिखाएंगे, ब्लैक सी का एक्सपीरियंस लेना था तो हम आ गए। एंड यहाँ पे बार वगैरह भी है, एंड हमने अपनी जगह
काफ़ी सही व्यू है। तो अभी इसके फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर दिखाता हूँ आपको। तो जी ये व्यू है बातुमी शहर का, हमारे पीछे आप देख सकते हो। एंड ये यहाँ का मेन वो है कैबिन जहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं। तो जी हम पहुँच गए वापस बातुमी, ज़्यादा लंबा टूर नहीं था, ज़्यादा 15-20 मिनट का था। तो वंश को बिल्कुल पसंद नहीं आया, मेरे को फिर भी ठीक लगा। बताया कुछ था, करा कुछ? हाँ बताया इन्होंने था, आधा घंटा 40 मिनट चलेगा, बट 15-20 मिनट में ही ख़त्म हो गया। ये तो चलते हैं बोटिंग। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा खास नहीं था, बट 20 लारी के हिसाब से ठीक है यार। वैसे इंडियन रुपीज़ में देखा तो 600 रुपये के करीब हो गए, बट ठीक है, लास्ट डे है तो चलता है।
एंड हेयर यू कैन सी द स्टैचू ऑफ अली एंड नीनो. काफ़ी सारे क्रूज के ऑप्शन हैं. आप कभी आओ तो यहाँ पे एक लकड़ी की क्रू चल रही थी, उसमें बैठना बहुत ज़्यादा अच्छा है. लुटेरों का जहाज. सो दिस इज द स्टैचू ऑफ अली एंड नीनो. से एक बात बता, इस टावर का नाम है चाचा टावर. ये किसके चाचा का टावर है? ये क्या पता किसके चाचा का है? सच में चाचा का टावर है क्या? पता नहीं किसके चाचा का नाम टावर है भाई. लोग भाई जिसके जो भी जो कपल है ना उसका चाचा होगा भाई. लोग जिसका भी चाचा ये टावर छोड़ गया है यहाँ पे, वापस ले आओ. नीनो का चाचा, नीनो के चाचा का टावर हो सकता है. बट इसका सीरियसली, ये जो बीच में आप टावर देख रहे हो जिस पे घड़ी बनी है, इस टावर का नाम है चाचा टावर. एंड हम चल रहे हैं केबल कार की तरफ. केबल कार राइड कहाँ है वो समझ नहीं आ रहा, बट चले जा रहे हैं. केबल कार की तरफ जा रहे थे और रास्ते में हमारे वंश भाई साहब को भूख लग गई, तो इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं. अब इंडियन रेस्टोरेंट पर इंडियन खाना खाना है, उसके बाद फिर चलेंगे केबल कार से. आपको बातूमी शहर दिखाएंगे ऊपर से इधर. तो जी अभी बातूमी में हम और एक रेस्टोरेंट में आए. इसका नाम है ताज महल स्पाइस रेस्टोरेंट. ये नाम था ना, हाँ, ताज महल स्पाइस रेस्टोरेंट. ये नियर टू केबल कार था, लगभग 200-250 मीटर वहाँ से केबल कार राइड जहाँ से स्टार्ट होती है. केबल कार स्टेशन है. वंस बताएगा कैसा टेस्ट है. खाना बढ़िया है, बस नान की जगह पराठा दे दिया. हमने नान ऑर्डर किया था, तवा नान आया है, पराठा. ठीक है यार, मिल रहा है स्थिति में. ये भी खाना बढ़िया है. बढ़िया है, टेस्ट कैसा है? कैंसिल, क्योंकि केबल कार राइड में कुछ मिला नहीं. एंड ये हमारी कैब आ गई, टैक्सी. अब चलते हैं हम. तो जी हम एक सुपरमार्केट आए हैं डेली, क्योंकि भाई को अनार खाने हैं. क्या खाएगा भाई? अनार. तो भाई ढूंढने से क्या नहीं मिलता, वंश को अनार मिल गए और हमें हैनीकैन वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में. एक लारी का डिस्काउंट था, हमें 3 लारी 70 पैसे की, 70 सेंट की हैनीकैन पड़ी. और इसको अनार कितने के पड़े नहीं पता भाई, चलो बिल में देखना पड़ेगा. हाय, ऐसे होते हैं बंदे, खरीदने से पहले रेट ही नहीं देखते, हमें दो दो बार देखने पड़ते हैं. लाइफ ऑफ ए मिडिल क्लास बॉय वर्सेस सेठ जी. गुड मॉर्निंग एंड लास्ट डे इन जॉर्जिया. आज हम जा रहे हैं बातूमी से तबिलिसी और इस व्यू को छोड़ के समंदर के दोबारा से पहाड़ों की तरफ. तबलीसी पहाड़ों पे है, हल्का हल्का पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पे. ये व्यू है यहाँ से. तो अब चैलेंज जो है वो ये है कि बातूमी से तबलीसी की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस देखनी है, देन फ्रॉम तबलीसी टू तबलीसी एयरपोर्ट का कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस वगैरह देखना है, देन फिर चलेंगे हम वापसी अपने देश इंडिया, मेरा भारत महान. और अभी सब कुछ खिंडा बिंडा हुआ है, ऑल सेट. चलते हैं यहाँ से फॉर तबिलिसी. तो जी चल दिए.
तो जी ये हमारी कैब थी, अब हमें छोड़ गई है यहाँ पे बस स्टेशन पे, यहाँ से हमें बस पकड़नी है और बातूमी फॉर तबलीसी बातूमी में पहुँच जाना है। चल यहाँ से देखते हैं बड़ी बस मिल जाए, क्योंकि अब तक हम बड़ी बस में ही नहीं बैठे, ये यहाँ की ट्रेन है, ये भी रख दे। तो जी हमें बड़ी बस तो नहीं, छोटी बस ही मिल गई तबली सी, उधर से वो रखना पड़ेगा, ये रख देंगे। यहाँ पे एक कूल चीज़ है, ये देखो टेम्पो है बेसिकली, एक टेम्पो के पीछे इन्होंने एक अलग वो लगाया हुआ है पार्ट सामान रखने के लिए, दैट्स नाइस। तो जी ये बस है टेम्पो ड्राइवर, इसमें तीन सीटें आगे हैं और पंद्रह पीछे, काफ़ी बढ़िया है यार, 17 सीटर गाड़ी है। तो एसी है सबसे मेन चीज़ जो हमें चाहिए था, क्योंकि यार गर्मी बहुत होती है और ऊपर से पर्दे लगे हैं तो सही सो जाएंगे हम, 2-3 घंटे मस्त नींद लेंगे या फिर मूवी देख लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, बट अच्छे से रेस्ट वगैरह हो जाएगा क्योंकि रात की फ़्लाइट है मिडनाइट की, तो रेस्ट भी ज़रूरी है। ये बस है ठीक है, सबसे मेन चीज़ यही है कि एसी लगा हुआ है, तो एसी है तो एसी का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आराम से पर्दे बंद करके सो के आराम से जाएंगे। सामान पीछे रख दिया है, शायद 6-7 घंटे लगेंगे यहाँ से तबलीसी पहुँचने में। तो जी भाई साहब ने बताया 6 घंटे लगेंगे, शाम को 7 बजे पहुँचेंगे हम तबलीसी एयरपोर्ट, तबलीसी सिटी और एयरपोर्ट जाने के लिए फिर वहाँ से कैब करनी पड़ेगी, जो कैब में अराउंड 1.5 घंटा और लग जाएगा, तो हम टाइमली पहुँच जाएंगे, मतलब ओवरऑल बात ये है वी हैव इनफ टाइम। ठीक है तो एक बार बाहर से दिखा देता हूँ, ये बस है, कूल सी बसें होती है यार यहाँ की, टेम्पो ट्रैवलर ही है कायदे से, बस तो क्या ही बोले, बस तो ये वाली है, बट ये वाली कहाँ जा रही है पता नहीं। अच्छा वो बस जो है वो इस्तानबुल जा रही है, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ बसेज है, अब जैसे कि ये बस है, ये बस इस्तानबुल जा रही है यहाँ से, तो लाइक इफ़ यू आर प्लानिंग टू कवर बोथ जॉर्जिया एंड टर्की, जो मेरा प्लान था बट वंस को काम था इसलिए नहीं कर पाए कवर, बट इफ़ यू आर प्लानिंग टू कवर द बोथ देन ये तबलीसी से स्टार्ट होती है, बातूमी आती है, देन यहाँ से इस्तानबुल जाती है, यू कैन चूज दिस बस। और ये बस पे भी तबलीसी लिखा है, बट ये बस पता नहीं कहाँ जाएगी, कितने बजे जाएगी, अभी कोई उम्मीद लग नहीं रही इसकी चलने की 2-3 घंटे में भी। और यहाँ के रोड्स जो है ना वो नैरो है, काफ़ी नैरो रोड्स है, तो हमने ज़्यादा बड़ी बस, मतलब बड़ी बस में ट्रैवल करना प्रेफर कर नहीं रहे, क्योंकि क्या होता है नैरो रोड्स पे कई बार टाइम लगा देती है बसें, ये छोटे टेम्पो ट्रैवलर होते हैं ये निकल जाते हैं। चलते हैं बाकी करते हैं एक्सपीरियंस, देखते हैं कैसा रहेगा ट्रैवलिंग इन अ लॉन्ग बस, लॉन्ग जर्नी बस ऑफ जॉर्जिया। तो जी जैसा हमारे इंडिया में होता है ऐसे ही यहाँ पे भी बंदों ने अपने अपनी गाड़ियों पे कुछ कुछ लिखवा रखा है, जैसे लाइफ बी बिग ब्रदर और नीचे माई लाइफ माई रूल्स, जस्ट लाइक अस कि हम भी ऐसे लिखवा के चलते हैं। इस पे बाहर मर्सिडीज़ बेंज का लोगो है इस पे, बट लग नहीं रही कि मर्सिडीज़ की होगी, देखते हैं। एंड इस पे वॉक्स वैगन का लोगो है, तो दिस इज पर वॉक्स वैगन, वंस भी आ गया, क्या खरीद के लाया वंस? Nothing. क्यों नथिंग? तो जी ये वो बस का ऑफिस है, इस पर लिखा है बस जाती है अंकारा, अंतलिया, इस्तानबुल, सब जगह जा रही है। यहाँ से टर्की की बसें काफ़ी है, मतलब 4-5 काउंटर ऐसे मिले जिस पर टर्की का नाम लिखा है, तो टर्की की बसें मिल जाती है, जैसे ऊपर रशिया की बसें मिल रही थी और साइड में अजरबैजान की बाकू की बस भी थी, तो लाइक आप बाय रोड काफ़ी बोर्डर क्रॉस कर सकते हो इफ यू हैव अ प्रॉपर वीज़ा। तो जी लंच के लिए रुके हैं, पूरे रास्ते सोच रहा था कि नींद आए, जैसे ही नींद आई भाई साहब ने रोक लिया लंच के लिए, तो हम कहीं लंच करते हैं। भूख है? नहीं है, मेरे को भी नहीं है यार, क्योंकि हमने ना बाथरूमी में खा लिया था पोटैटो पाई, यहाँ पे एक वेजिटेरियन पेटी जैसा है, तो मैंने तो 2 खा ली थी, तो काफ़ी हैवी हो गया है, वंस को भी भूख नहीं है, तो
तो तबलीसी जाके कुछ खाएंगे। तो जी पहुंच गए हम तबलीसी टाउन फिर से, और ये बस्ती हमारी, ये भाई लोग पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं। एंड अब हम अपनी कैब का वेट कर रहे हैं क्योंकि पहले हम जाएंगे किसी इंडियन रेस्टोरेंट खाना खाने। अरे यार बहुत चिल्ला रहे हैं यार ये लोग तो। कैसा रहा वॉशरूम एक्सपीरियंस? वंस कैब तो आने दे। तबलीसी राइट नाउ और पहुँचे यहाँ डीडीयू बस टर्मिनल पे, और यहाँ का मौसम देखो यार क्या मस्त हो रखा है। सीरियसली लास्ट डे है और इतना प्यारा मौसम हो रखा है, मन कर रहा है कहीं टॉप पे जाके बढ़िया सा सनसेट इन्जॉय करें। बट नहीं, अभी हम जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट क्योंकि बढ़िया सुबह से कुछ ढंग से खाया नहीं है, अभी भूख लगी है बहुत ज़्यादा। और वंस भाई के पास लारी भी बचे हुए हैं तो बचे कुचे लारी भी ख़त्म कर देंगे, हम बढ़िया इंडियन डिनर करेंगे और उसके बाद जाएंगे एयरपोर्ट क्योंकि रात को 12:30 बजे की फ़्लाइट है अपनी। वेटिंग फॉर आवर कार टू कम। ये बस टर्मिनल है यहाँ का, यहाँ की एम्बुलेंस भी मर्सिडीज की है यार। हमारी गाड़ी दिखा तो रहा है यहीं कहीं है, अब देखते कितनी दूर में है। रेड कलर की फोर्ड फिस्टा। जर्नी जो थी वो 6 घंटे की थी, बट 6:30 घंटे लग गए हमें, ठीक है 6:30-7 घंटे ही लग गए, ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं। और ठीक है यार, रोड्स भी थोड़ी अच्छी नहीं थी, बीच बीच में चलता है, बट ये व्यू जो दिखा है यहाँ पे मज़ा आ गया व्यू देख के। अब बस इंडियन खाना मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, मतलब इतना ख़तरनाक लेवल का जाम है ना, देखो अनकंट्रोलेबल है। कहाँ से क्या चीज़ जा रही है, कौन सी गाड़ी कैसे जा रही है, कोई आइडिया ही नहीं लग रहा। भाई ये बंदे तो पहले दिन मिल जाने चाहिए थे, काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती। तो ये जी मारुति जिमनी है यहाँ पे। हमारे वहाँ 5 डोर आती है, यहाँ पे 3 डोर है छोटी सी। सीरियसली टॉय कार लग रही है, सीरियसली टॉय कार लग रही है यार, नाइस। तो जी हमें ये रेस्टोरेंट मिला यहाँ पे, द टेस्ट ऑफ इंडिया, और अच्छा अच्छी वाइब है, अच्छा एम्बियंस है यहाँ का। एक्सक्यूज मी, वाईफाई का पासवर्ड? रेट भी काफ़ी सही है यार यहाँ के, मतलब अब तक जितनी भी जगह खाया सबसे सस्ता यही मिला है। हाँ टेस्ट से पता चलेगा, नाम ही टेस्ट ऑफ इंडिया, तो इंडियन टेस्ट तो होना चाहिए। अभी हमने खाया यहाँ पे खाना टेस्ट ऑफ इंडिया, लिटरली टेस्ट ऑफ इंडिया था, अभी प्रॉपर दिल्ली वाला टेस्ट मिला। वंस के चेहरे में खुशी देख सकते हो, कैसा लगा वंस खाना? बढ़िया, मज़े आ गए यार, मतलब ये खाना हमें पहले दिन मिल जाता ना, हम तबलीसी आके यही खाना खाते, चाहे कैब बुक करके आना पड़ता, प्रॉपर दिल्ली वाला टेस्ट, गढ़वाली सेफ था,
बाकी सब जगह जो था वो बांग्लादेशी सेफ होते थे या फिर कहीं और के सेफ होते थे, यहाँ प्रॉपर गढ़वाली सेफ था, प्रॉपर दिल्ली वाला टेस्ट आ रहा था। तो अभी हम अपनी कैब का वेट कर रहे हैं फॉर द एयरपोर्ट और चलते हैं एयरपोर्ट, कैब आने ही वाली है। कैब 1 मिनट दूर है, मैंने इसकी फ़ोटो भी ली है, मारुति जिमी 3 डोर। आज हमारी कैब आ रही है टोयोटा प्रियस। तो जी चल दिए हम एयरपोर्ट की तरफ और एयरपोर्ट से फिर दिल्ली वापस। तो जी पहुंच गए हम द तबलीसी एयरपोर्ट, तबलीसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ट्रिप इज अबाउट टू एंड। कैसा लग रहा है वंस? आज वंस कुछ ज़्यादा ही खुश है। तो जी हमने ले ली यहाँ के लॉन्च में एंट्री। सो दिस इज द प्राइम क्लास लॉन्च एट तबलीसी एयरपोर्ट। अब यहाँ ना दो हैक, मतलब एक हैक हुआ गजब का। मेरे पास ना 2 प्रायोरिटी पास थे जिसमें से एक चल रहा था, एक नहीं चल रहा था। मुझे पता था नहीं चलता कि वो ब्लॉक हो गया था, पता नहीं किस रीज़न से ब्लॉक हो गया था। और मैंने इनको बोला कि यार ये एक ही चल रहा है, तो हम दो बंदे हैं। और फिर इसने क्या बोला, बोला चलो एक स्कैन कराओ। एक स्कैन करा के इसने मेरे को, मतलब इन्होंने मेरे को और वंस दोनों को एंट्री दे दी। तो दिल्ली एयरपोर्ट भी हम ऐसे जुगाड़ से घुसे थे क्योंकि मेरे पास ही कार्ड था, वंस के पास कोई कार्ड नहीं था। यहाँ भी हम जुगाड़ से घुसे हैं। सो बिग थम्स अप फॉर दिस लेडी एंड दिस इज़ द लॉन्च। काफ़ी प्यारा है यार, काफ़ी ही प्यारा है। यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह भी है। विकास दोनों जगह जुगाड़ से घुस गया। क्या कर दिया उसने?